कंप्यूटर सिस्टम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम के एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आंसर देख रहे हैं। पहला है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट सेक्टर्स एजुकेशन हेल्थ एंटरटेनमेंट साइंस रिसर्च। इनको पेस्ट करना है चार्ट पे और इनका डिस्क्रिप्शन देना है एप्लीकेशन में। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि स्मार्ट क्लासेस की तरह कुछ बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन की बात हो रही है तो कंप्यूटर क्या है, अब आपको स्मार्ट क्लास देते हैं यानी एक डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस या एनवायरनमेंट देते हैं जो आप सामने भी पढ़ सकते हैं और आप किसी डिस्टेंस पे भी पढ़ सकते हैं। ऐसी आप अगर हेल्थ की बात करें तो यहाँ बता सकते हैं कि पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है जो डॉक्टरों को मदद करता है कि वो मॉनिटर कर सके अपने पेशेंट की हेल्थ को। फिर आप एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक प्लेयर बता सकते हैं, बड़ा कन्वीनियंट वे है ताकि आप म्यूजिक सुन सके। या फिर आप एक मॉनिटर दिखा सकते हैं जैसे आजकल इंटरनेट टीवी आ गए हैं। ऐसी वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम है जो रिसर्च में यूज होता है, ये न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन के लिए यूज हो सकता है। ऐसी आप रोबोट दिखा सकते हैं, इसका फोटो दिखा सकते हैं या बता सकते हैं इसके बारे में। रोबोट है या आर्टिफिशियल एजेंट है जिसमें जो कंट्रोल्ड है कंप्यूटर के द्वारा ताकि कुछ काम ऐसे किए जा सके जो ह्यूमन को रिप्लेस करें। जैसे कोई माइनिंग माइंस है वो पीछे हुए वहां पर किसी को भेजना है तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया है। लिस्ट ऑल इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल डिवाइसेस दैट यू सी अराउंड यू। सारे इलेक्ट्रिकल और डिजिटल डिवाइसेस आप देखिए और इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस से आए, यानी कि आईटी को बाकी टेक्नोलॉजी से मिला के आए। आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, एक रिसर्च करिए इन डिवाइसेस पे, एक रिपोर्ट बनाइए और इनके फीचर और फंक्शनैलिटी लिखिए। तो उसको किस तरीके से देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आजकल सबके पास है वो है आपका लैपटॉप। लैपटॉप सभी के पास है तो उसमें, क्योंकि लैपटॉप में आईटी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट तीनों चीजें मिली हुई हैं। तो लैपटॉप क्या होता है, एक बड़ा पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। पहले अलग अलग चीजें अलग अलग रखी जाती थी, अब लैपटॉप में सारी चीजें मॉनिटर भी है कीबोर्ड भी सब एक साथ आ गया। ये बैटरी पे काम करता है, बैटरी चालित है और किसी आपको ये मूवेबल बनाता है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। ऐसी स्मार्टफोन है, ये भी एक कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी से है, इसमें आईटी के साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है एक कंप्यूटर की तरह ही है, एक छोटा कंप्यूटर है लेकिन इसके साथ आप कम्युनिकेशन भी करते हैं, फोन पे बात भी करते हैं, मेल भी भेजते हैं, इसमें कैमरा होता है, इससे फोटो खींच सकते हैं आप। इसमें सारी चीजें हैं जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड होती है किसी कम्युनिकेशन के लिए। ऐसे डिजिटल क्लॉक है, जैसे आईटी के साथ आप इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी को जोड़ दें इन दोनों को, तो डिजिटल क्लॉक क्या करता है, ये आपको न्यूमेरिकली टाइम दिखाता है। एनालॉग क्लॉक क्या करता है, टिक 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 टिक, वो मूवमेंट पे काम करता है, वो मैकेनिकल होता है। यहाँ आपका इलेक्ट्रिकल भी है डिजिटल भी है, तो आपको जो हैंड्स है रोटेट होंगे लेकिन वो डिजिटली दिखाई देंगे आपको। क्लासीफाई दी फॉलोइंग एज फीचर्स और लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर। फीचर्स कौन से हैं और लिमिटेशन कौन कौन से हैं, तो देखिए क्या करके देखते हैं। कंप्यूटर्स रन एट अ ग्रेट स्पीड एंड प्रोसेस ऑल कंप्यूटेशन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो ये तो इसकी फीचर्स हो गया, ये इसका फीचर है, सेलिएंट फीचर है। कंप्यूटर आर नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये इसकी लिमिटेशन कह सकते हैं आप। कंप्यूटर्स आर एबल टू परफॉर्म टास्क रिपीटेटिवली, ये तो इसकी इसका फीचर हो गया। कंप्यूटर्स आर मशीन एंड देयरफॉर वी नीड टू प्रोवाइड इनपुट टू मेक देम वर्क, अब ये भी एक फीचर कह सकते हैं। वैसे लिमिटेशन अभी एक सवाल के हिसाब से हम लिमिटेशन में डाल देते हैं इसको। कंप्यूटर्स आर अनेबल टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन, ये भी लिमिटेशन है। और कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमंस, ये तो फीचर हो गया। तो ऐसे फीचर लिमिटेशन, फीचर लिमिटेशन, फीचर, इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका फिगर है ए बी और सी और डी, इसमें आपको बताना है क्या क्या चीजें हैं। जैसे ये ए है, ये आपका इनपुट यूनिट है, ये डी आपका स्टोरेज यूनिट की तरह दिख रहा है, सी आपका आउटपुट है और बी जो है वो आपका प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। तो अगर आप इसको देखें तो ए इनपुट यूनिट है, बी प्रोसेसिंग यूनिट है, सी आपका आउटपुट यूनिट है और डी आपका स्टोरेज यूनिट है। मैच द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद देयर डोमेन्स, अब यहां सॉफ्टवेयर दिए हैं, यहां पर ये कहां कहां यूज होते हैं, उनके डोमेन क्या है। जैसे बजटिंग सॉफ्टवेयर है, ये कहां यूज होगा, क्या ये बिजनेस में होगा। चलिए इसको मैच करा देते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि चीजें सही है कि नहीं, उसको हम फिर से इस पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है,
तो किसके लिए यूज होता है, देखिए एजुकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कम्युनिकेशन के साथ जोड़ देते हैं। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, नाम ही इसका इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, तो इंजीनियरिंग के साथ जोड़ देते हैं। इनकम टैक्स है तो ये आईटी, ये गवर्नेंस के साथ जोड़ देते हैं। गवर्नमेंट क्या होता है, टैक्स लेती है फिर हमारे लिए काम करती है। ई लर्निंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम जोड़ देते हैं एजुकेशन के साथ। तो अगर देखें तो हमने जो जोड़ा वो हमने सही पाया, इस तरीके से इनके डोमेन है। राइट फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, ये कैथोड रे ट्यूब है, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, तो ये इनके फुल फॉर्म है। एक डिपार्टमेंट स्टोर में जाइए और ये देखिए वो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं। आप ये भी नोट करिए, करने की कोशिश करिए कि जो सॉफ्टवेयर है जो इस कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं। तो आप देखें तो डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको मोस्टली डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप मिलेंगे, और इसमें क्या होता है, ये मोस्टली क्योंकि इसमें अकाउंटिंग होती है, कितने सामान लिए, कितने खरीद, कितना डिस्काउंट लगाना है, क्या अमाउंट बचा, ये मेन चीज होती है। तो इसमें स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी कोई यूज कर सकता है, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज करता है, जैसे टैली वगैरह है, बिलिंग सॉफ्टवेयर है। एक चार्ट बनाना है आपको अलग अलग बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और फिर हर एक एप्लीकेशन को किसी न किसी पिक्चर के साथ एसोसिएट करना है, और फिर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन उसका है उसके साथ आपको रिलेट करना है। जैसे आप देखें ये आपका बिजनेस है बिलिंग सॉफ्टवेयर, ऐसी लॉ एनफोर्समेंट के लिए है स्पीकर, ऐसी आपका ये कम्युनिकेशन है चैटिंग के लिए, आप देखें ईयरफोन और यहाँ पर माइक दिख रहा है, ऐसी ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए, अगर आप कोई शार्प बनाना चाहते हैं, कोई मैकेनिकल डिवाइस बनाना चाहते हैं या उसको डिजाइन करना चाहते हैं, डॉक्टर के लिए या हेल्थ के लिए पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है, एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास यहाँ पर फिल्म एंड टेलीविजन 3D मूवी है, गवर्नेंस के लिए अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स को भरना है तो आप गवर्नमेंट की साइट पर जाएंगे या इनकम टैक्स भरेंगे, अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो टैली वगैरह का दिखा सकते हैं आप। क्लासीफाई दी फॉलोइंग एज द बेसिक एंड ऑप्शनल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कौन सा बेसिक है और कौन सा ऑप्शनल है, कौन सा हम ऑप्शनल कर सकते हैं, ये बेसिक है बाकी तो सारे ऑप्शनल ही दिख रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं, बेसिक ये हो गया, ये दोनों ऑप्शनल है। अब माउस जो है, अब देखिए क्योंकि यहां पर बात की गई कंप्यूटर की और ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि लैपटॉप है या क्या है, तो हम इसको पर्सनल कंप्यूटर मान के चलते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर में हम इसको माउस को बेसिक श्रेणी में डालेंगे क्योंकि इसके बगैर कैसे काम होगा। स्पीकर आप सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं। तो बी सी और ई ये हम डालेंगे अपने ऑप्शनल के कैटेगरी में, और प्रोसेसर और माउस हम डाल देते हैं बेसिक।